लास्ट सेशन में हमने जो वेरिएबल फर्स्ट सेशन था इसमें हमने वेरिएबल के बारे में डिस्कस किया था। क्या है वेरिएबल? वेरिएबल हम कह सकते हैं कि इट इज नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन वेयर वी कैन स्टोर डाटा, वेयर वी कैन स्टोर डेटा। यस, दैट इज नेम। फॉर एग्जांपल लाइक एज अ रोल, रोल नंबर, अमाउंट नंबर वन, लाइक दिस। ठीक है, इसके रूल्स है कि वाइट स्पेस नहीं होना चाहिए दो वर्ड्स के बीच में। अगर आप अच्छा एज पर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड लिखना चाहते हो तो आप कैमल केस वेरिएबल से आप लिख सकते हो इस तरीके से, तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। और किसी भी फाइल का नाम स्मॉल में ही लिखना है, कहते इस तरीके से। और लास्ट सेशन में हमने कुछ वेरिएबल्स इस तरीके से बना के हम लोगों ने उसके में वैल्यू असाइन की थी, यानी इनिशलाइज कर दिया था, उसमें वैल्यू हमने ऐड कर दी थी, जैसे कि नम टू इक्वल टू 30 एंड टोटल, या इस तरीके से नम वन प्लस नम टू ठीक है, तो टोटल इस तरीके से ये हमने लास्ट सेशन में देखा था। आज सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो आज का जो सेशन है, सेकंड सेशन, सेशन 02, आज का टॉपिक है डेटा टाइप्स। जैसे कि रियल रियल टाइम में या रियल लाइफ पे हमारे पास जो भी डेटा है वो अलग अलग कैटेगरी का हो सकता है, जैसे कोई इमेजेस, फोटोज, कैरेक्टर्स, नंबर, स्पेशल सिंबल्स, ये अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है और ये ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन डेटा टाइप्स के पहले, आपको समझने से पहले एक चीज आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, वो है कि डेटा टाइप के बिसाइड या डेटा टाइप जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपको पता है आपको पता होना चाहिए कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो डेटा टाइप इस्तेमाल करती है, यानी कि डेवलपर को खुद डेटा टाइप जो है सेट करने होते हैं, इस्तेमाल करने होते हैं। तो उसके पहले आपको दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी पता होनी चाहिए। जैसे आपने हाई लेवल लो लेवल है, तो डेटा टाइप में भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेटा टाइप को फॉलो करती है, कोई खुद से ही इंटरनली वर्क करती है। तो इसके लिए आपको स्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बहुत सिंपल है, वर्सेस वीक वीक टाइप्ड प्रोग्रामिंग या डायनामिक प्रोग्रामिंग टाइप्ड ऐसे कह सकते हैं। तो स्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग जो बहुत सख्त किस्म की डेटा टाइप के बारे में होती है, जैसे कि अगर आपने कोई वेरिएबल लिखा है नम और उसको अगर आपने मेंशन किया है नंबर इस तरीके से, ठीक है, आपने ये जो वेरिएबल में डिक्लेयर किया है, देखो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दो वेरिएबल कैसे स्ट्रिक्ट टाइप में कैसे डिक्लेयर करते हैं, लेट नंबर या आपका जो भी नाम है, जैसे कि रोल नंबर, अभी रोल नंबर जो है, या मैं लिख देता हूँ आधार, आधार नंबर क्या है, प्योरली नंबर है या उसमें कैरेक्टर भी मिक्स होते हैं? प्योरली नंबर है, तो मैं यहाँ पे कोलन देकर लिखता हूं कि ये प्योरली नंबर है। और लेट अमाउंट पैसा, बिल्ला कहाँ है, ठीक है, लेट अमाउंट नंबर, नहीं जाने दो मत, तो इसमें अगर ये वेरिएबल है, इसको मैंने स्ट्रिक्ट
कह दिया है कि ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, इसके अंदर कौन सा टाइप का डेटा स्टोर होना चाहिए? नंबर। नंबर। अगर मैं इसमें कोई कैरेक्टर लाइक दैट, उस कैरेक्टर जो अक्षर होते हैं वो सिंगल कोट में लिखा जाता है, तो ये मैं नहीं लिख सकता, तुरंत एरर दे देगा कि ये एक्सपेक्ट कर रहा है नंबर और आप स्ट्रिंग स्टोर करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये जो टाइप होता है किसी भी वेरिएबल का डिसाइड करना होता है। अभी ये किसने डिसाइड किया है? ये मैंने यानी डेवलपर ने डिसाइड किया है कि इस वेरिएबल के अंदर जो है वो नंबर ही स्टोर होना चाहिए। तो इस टाइप की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, देखो जहां पे डेवलपर को मेंशन करना होता है कि वेरिएबल के अंदर कौन से टाइप का डेटा टाइप हमें देना है, डेटा टाइप मेंशन करना होता है, उस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम स्ट्रिक्ट टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। स्ट्रिक्ट टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसे स्ट्रिक्ट टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं? सो वी नीड टू, या हम कह सकते हैं डेवलपर मस्ट नीड टू मेंशन विच टाइप ऑफ डेटा टू बी स्टोर इन अ वेरिएबल, टू बी स्टोर इन अ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल के अंदर कौन से टाइप का डेटा स्टोर करना है ये भी डेवलपर को पहले से बताना होता है। तो उस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्ट्रिक्ट टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। अब इसके कैटेगरी में कौन से अवेलेबल है, जैसे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा, सी प्लस प्लस, उसके बाद और कोई बता सकता है कि और कहाँ पे मेंशन करने होते हैं ऐसे, जैसे कि टाइप स्क्रिप्ट, ये सारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ये स्ट्रिक्ट टाइप है, यानी कि जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तब आपको उसमें कौन सा टाइप का वैल्यू स्टोर करना है वो टाइप भी हमें देना होता है, यानी कि उस डेटा का टाइप भी डिसाइड करना होता है। ठीक है, इससे फायदा क्या होता है? लेट्स सी कि मान लो कि अगर आपके पास वेरिएबल है अमाउंट नाम का और गलती से या असाइन कर दिया उस अमाउंट को, चलो बैंकिंग एप्लीकेशन है और मान लेते कि बैंकिंग एप्लीकेशन में अगर विड्रॉ करना है अमाउंट या डिपॉजिट करना है अमाउंट, ठीक है, अभी आपका सॉफ्टवेयर चल रहा है, रनिंग में है, लेकिन आपने गलती से जहाँ पे अमाउंट वेरिएबल है इंटर कर लिया आपने कैरेक्टर में, जैसे कि आप अगर एटीएम में जा रहे हो और एटीएम में आप विड्रॉ डिपॉजिट कर रहे हो, तो जब आप अमाउंट अगर आप पुट करते हो तो वहां पे कोई कैरेक्टर अगर आप टाइप करोगे तो क्या होगा? ट्रांजेक्शन नहीं होगा सर। ट्रांजेक्शन नहीं होगी और ना होनी चाहिए। तो वो जिस तरीके के एप्लीकेशन होते हैं कि डेवलपमेंट टाइम पे ही डेटा टाइप डिसाइड किया जाता है ताकि आगे जाने के बाद कोई एरर ना आ जाए, तो इस तरीके की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसे हम स्ट्रिक्टली बहुत ही सख्त टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। कि उसमें अगर नंबर स्टोर करना है तो नंबर ही स्टोर होगा, आप दूसरा कुछ भी स्टोर करने की कोशिश करोगे तो वो तुरंत एरर दे देगा। क्या आप लोगों को ये समझ में आया कि स्ट्रिक्ट टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? यस सर। ठीक है, क्यों? क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट जो है ये स्ट्रिक्ट टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि वेरिएबल के बाद हमें मेंशन करना होता है कि वो कौन से कैटेगरी का टाइप है। अगर हमने नंबर किया है और हम उसमें क्या क्या स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं? कैरेक्टर स्ट्रिंग, ये उसे कैरेक्टर नंबर ऑफ स्ट्रिंग को स्ट्रिंग कहा जाता है। तो वो देखो क्लियरली बोल रहा है कि टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर ऐसे। हाँ, इसमें अब मैं सिर्फ नंबर स्टोर कर सकता हूँ ऐसे। तो हम ये मानते हैं कि टाइपस्क्रिप्ट जो है ये स्ट्रिक्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। yes. हाँ, अब दूसरी कैटेगरी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो है डायनामिकली, यानी कि उन्होंने क्या कहा कि डेवलपर को हर बार वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डेवलपर्स है उनका कहना है कि डेवलपर क्यों मेंशन करे,
हम ऐसा कुछ इंटरनली करते हैं कि ऑटोमेटिकली वो डिसाइड हो जाएगा कि कौन से टाइप का डेटा है। फॉर एग्जाम्पल इसे डायनामिक टाइप है, ऑटोमेटिकली डेवलपर को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन किया, कुछ भी मेंशन करने की जरूरत नहीं। इंटरनली वो पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंपाइलर अंडरस्टैंड करेगा उसके बेसिस वैल्यू पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया नंबर, नम ले लिया और उसके अंदर मैंने डाल दिया। अभी मैंने यहाँ पे कोई डेटा टाइप मेंशन किया है कि इस वेरिएबल के लिए? नहीं। नहीं, कोई भी मेंशन नहीं किया। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या समझेगी, ये जो वेरिएबल है ना, ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि ये जो वेरिएबल है ये कैरेक्टर टाइप का है या स्ट्रिंग टाइप का, ऑटोमेटिक समझ जाएगा इंटरनली। तो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डायनामिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है, कि इसे किसी भी तरह का डेवलपर को पहले डेटा टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। वो जो इंजन है या जो कंपाइलर है वो खुद ब खुद डिसाइड करता है कि वैल्यू स्ट्रिंग है। वो ऑटोमेटिकली ये भी डिसाइड करेगा, जैसे कि अभी नम 2 है ले लिया, और इसमें अगर नंबर है तो वो समझ लेगा कि ये नंबर वैल्यू है और इसका डेटा टाइप जो है नंबर होना चाहिए। तो वो डिसाइड करते हैं, डेवलपर की मेहनत बचाते हैं। लेकिन क्या होता है कि इसमें प्रॉब्लम ये है कि मान लेते हैं जैसे कि अमाउंट मैंने डाला हुआ है, मतलब मुझे अगर डिपॉजिट करना है, और गलती से किसी यूजर से भी इसमें जो डेटा भरते हैं, यूजर भरते हैं, गलती से इसमें अगर सम टाइम कुछ ऐसा डाल दिया है, कुछ होगा तो नहीं लेकिन एरर आ जाएगा। कब एरर आएगा? एप्लीकेशन चलाते समय, एप्लीकेशन रन करते समय जब यूजर अगर गलत कुछ इनपुट डालेगा तो एरर आ जाएगा। लेकिन ये तरह ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है स्ट्रिक्ट टाइप की, इसमें रनिंग टाइम पे एरर नहीं आएगा। देखो ये टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रनिंग टाइम पे नहीं, रन होने से पहले ही वो डिटेक्ट कर लेगा क्या एरर है। तो मैं यहाँ पे लिख हाँ देता हूँ कि जो स्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो इट डिटेक्ट्स एरर बिफोर द रन प्रोग्राम। और डायनामिक टाइप में क्या प्रॉब्लम है, अच्छा ही क्या है कि डेवलपर को जो है, डेवलपर नीड नॉट टू वरी अबाउट मेंशनिंग इट्स डेटा टाइप। डेवलपर को कुछ लेना देना नहीं है, इंजिन जो है पर्टिकुलर या कंपाइलर है वो देख लेगा उसके अंदर जो हमने स्टोर किया। इससे प्रॉब्लम तो आपको समझ में आया कि गलती से भी अगर वो पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी में अगर नंबर का मल्टीपल, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है, लेट्स सी नम इनटू नम तो क्या इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है एक कैरेक्टर और दूसरा नंबर का? नहीं, नहीं नॉट सर, पॉसिबल। ये नॉट रनिंग पॉसिबल। होगा, एप्लीकेशन तो रन हो जाएगा बट जब ये ऑपरेशन करने जाएगा, परफॉर्म करने जाएगा, तब एरर देगा। तो क्या बेटर है आप लोगों की चॉइस से, कि एप्लीकेशन रन हो रहा है और तब एरर आना चाहिए, या एप्लीकेशन बनने से पहले ही सारे एरर निकल जाए ताकि बाद इनिशियल में एरर ना आए? स्टेज में सर, फर्स्ट इनिशियल वाला स्टेज में डिटेक्ट होना चाहिए सर। ठीक है। तो ये सारी अपने अपनी चॉइसेस होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करने के टाइम पे, और डिपेंड है सिनेरियो बाय सिनेरियो कि आप कैसे काम के लिए आप यूज कर रहे हो और कैसे वैलिडेट कर रहे हो। तो चलिए नाम बता देता हूँ कि कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिसमें आपको डेटा टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद देखा जाएगा कंपाइलर या इनबिल्ट इंजन द्वारा। तो सबसे पहले लिखते हैं जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट डायनामिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन, पीएचपी एक्सेट्रा, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये डायनामिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डेवलपर को कोई भी डेटा टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। क्या आप लोगों को क्लियर है? कितने लोगों को क्लियर है कि डेटा टाइप्स हम कह सकते हैं कि कैटेगरी ऑफ डेटास, इसमें दो कैटेगरी होती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। दो टाइप के डेटा टाइप्स है, पहला
पहला जो टाइप्स है, फर्स्ट वाला जो डेटा टाइप होगा वो होगा आपका प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब है मूलभूत, यानी कि बाय डिफॉल्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आए हैं। और दूसरा है यूजर डिफाइंड, या हम उसे और आसान भाषा में कहेंगे नॉन प्रिमिटिव। इसे ही हम यूजर डिफाइंड प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब है कि बाय डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ वो डेटा के अलग अलग टाइप आ चुके हैं, और उसकी साइज मतलब कि नंबर ऑफ उसकी जो लेंथ है वो चेंज नहीं कर सकते, और क्या डेटा स्टोर करना है उसको मॉडिफाई भी नहीं कर सकते। ऐसे डेटा टाइप जो होते हैं वो प्रिमिटिव। और कौन से है? फर्स्ट, नंबर। आपको नंबर पता है कौन से नंबर होते हैं? ऐसे प्योर नंबर जैसे कि 1, 2, 3, इस तरीके से 30.5, 33.55, ऐसे नंबर्स, ये सारे नंबर्स होंगे। उसके बाद दूसरा होगा स्ट्रिंग। क्या आप लोगों को स्ट्रिंग पता है? तो स्ट्रिंग के बारे में मैं बताऊंगा। सीक्वेंस यानी कि बहुत सारे, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर यानी कि एग्जांपल के लिए अगर एक कैरेक्टर मैं लेना चाहता हूँ, जैसे कि ए एक सिंगल कैरेक्टर है, लेकिन अगर मैं एक से ज्यादा कैरेक्टर एक साथ जोड़ता हूं तो वो सीक्वेंस बनता है, या हम उसे कहते हैं स्ट्रिंग। ये जो है आपका क्या है, ये है स्ट्रिंग। तो ये जो मेरा नाम है ये कैरेक्टर होगा या स्ट्रिंग होगा? अब क्या कहेंगे इसे? स्ट्रिंग कहेंगे। तीसरा होता है, तीसरा टाइप होता है बुलियन, कि इसमें सिर्फ दो ही वैल्यू स्टोर होती है, और वो है ट्रू और फॉल्स। या न्यूमरिक में अगर हम कहेंगे तो 1 and 0, बस। फोर्थ वन वाला जो डेटा टाइप होगा सिंबल, जो कि हम आगे सिंबल यूज कर किस तरीके से करेंगे यूनिकनेस के लिए वो देखेंगे। देन फिफ्थ वाला होगा आपका नल। नल मींस नथिंग, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। सिक्स्थ होगा अनडिफाइंड। इस तरीके से। तो प्रिमिटिव में कौन से टाइप है बताइए अभी? नंबर, स्ट्रिंग में सीक्वेंस कैरेक्टर, सिंबल, नल, अनडिफाइंड। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे या प्रैक्टिकली करेंगे, ये प्रैक्टिकली हमें करना है, और मैं इसे आउटपुट ठीक है, तो हम का एक प्रोग्राम है ये कर लेते हैं। चलते हैं वीएस कोड पे, डेटा टाइप एग्जांपल डॉट जेएस, जावास्क्रिप्ट में लिखेंगे। देखिए पहला वेरिएबल मैं ले लेता हूं, जैसे कि नेम आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है, जैसे कि लेट, मोबाइल, लेट इज हॉलिडे, लेट सेशन टाइम, और इसे अब हम एक एक करके वैल, ये हमने कर लिया है वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये सारे वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया है, वेरिएबल डिक्लेरेशन। लेकिन क्या मैंने यहाँ पे कोई भी टाइप मेंशन किया है, नंबर है या स्ट्रिंग है, ऐसा कुछ मेंशन किया यहाँ पे? नहीं नहीं
बिकॉज ऑफ जावास्क्रिप्ट जो है डायनामिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हमें इसे करने की जरूरत नहीं है। इंटरनली जावास्क्रिप्ट का इंजिन जो है वो अंडरस्टैंड करेगा डिपेंड ऑन इसके अंदर हमने क्या वैल्यू भरी। अभी देखिए, अगर हमने नेम के अंदर ऐसे 1 2 3 भी भर दिया और कंसोल डॉट लॉग करके मैं प्रिंट भी करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि ये इंजिन समझ जाएगा कि ये जो वेरिएबल है इसके अंदर नंबर है तो ये इसका टाइप जो है वो नंबर ही होगा। लेकिन क्या ये सही होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे बहुत सारी लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्ट टाइप के भी। फिलहाल के लिए हम इनिशियलाइज करते हैं स्ट्रिंग को, शुरुआत करते हैं स्ट्रिंग की। तो ध्यान से देखो, स्ट्रिंग हमें इनिशियलाइज यानी स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर भरने के लिए हम अलग अलग टाइप्स यूज करते हैं, और वो टाइप्स मैं लिख के दे रहा हूँ आप लोगों को, और ये वेरी बेसिक है। पहला, यूजिंग सिंगल कोट, ऐसे सिंगल कोट से भर सकते हैं आप, आउटपुट सेम ही आएगा। हमारा आज इतना ही काम है कि वेरिएबल के अंदर अलग अलग टाइप का डेटा जो है स्टोर करके हम आउटपुट देखेंगे। जी हाँ, बिल्कुल आ चुका है। दूसरा होता है डबल कोट से भी आप यूज कर सकते हो, यूजिंग डबल कोट्स। कैसे लेते हैं डबल कोट्स? कोई बताता है, बता पाएगा मुझे डबल कोट्स? ऐसे शिफ्ट दबा के अगर आप इंटर के बाजू वाला करोगे तो ये डबल कोट्स है। दोनों के लिए भी सेम ही है, सिंगल कोट आप यूज कर सकते हो या डबल कोट यूज कर सकते हो। हाँ, लेकिन ये दोनों में भी एक आपको डिफरेंस पता चलेगा कि अगर मान लो मेरे पास मल्टीपल लाइंस है ऐसी, वेलकम ऑल, तो ये मल्टीपल लाइन अलाउड नहीं करेंगे। आपका पैराग्राफ लिखा हुआ है या कुछ बड़ा डेटा है, एक से ज्यादा लाइन पे होगा तो मल्टीपल लाइंस जो है अलाउड नहीं करेंगे ये दोनों भी, ना सिंगल ना डबल कोट्स। तीसरा स्ट्रिंग आपको भरने के लिए तीसरा ऑप्शन दिया जाता है, वो है बैक टिक। बैक टिक आपका जो ESC एस्केप का बटन होता है लेफ्ट वाले टॉप कॉर्नर में, टिल्डा साइन के जैसे उसके नीचे वाला साइन, ये वाला पहचानो इसे, ये टिल्डा है, ये वाला साइन, ये वाला शायद रेयरली यूज किया है हम लोगों ने, ये वाला साइन होगा ये। अगर आप इसमें करोगे तो आप स्ट्रिंग को मल्टीपल लाइन में लिख सकते हो और दिखा भी सकते हो उसे। देखिए, टिक ये समझ में आ रहा है ना, सिंगल कोट जैसा दिखता है लेकिन सिंगल कोट है नहीं। ये देखो, कोई एरर आ रहा है अभी? नहीं, नहीं, कोई एरर नहीं आएगा। हाँ, और इसका फायदा और एक चीज बता देता हूं मैं, जैसे कि ये एरर नहीं देगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखिए, क्लियरली मेंशन है, एक के नीचे एक सही से आ गया। इसका और भी एक फायदा है कि कॉन्कनेट करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और एक चीज, लेट फुल नेम, लेट फर्स्ट नेम, लेट लास्ट नेम। तो मैं फर्स्ट नेम इसमें फिल कर देता हूँ, जैसे कि फर्स्ट नेम वेरिएबल है, मैं सिंगल कोट से लेता हूँ, लास्ट नेम। अभी मुझे फुल नेम चाहिए, तो फुल नेम कैसे बनेगा? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वापस से देखो, यहाँ पे टिक का इस्तेमाल कर देता हूँ, योर फुल नेम इज, ठीक है। अब ये कैसे दिखेगा, किस तरीके से? बस इतना ही दिखेगा, योर फुल नेम इज, और हमें ऊपर के जो
वर्ड्स है, वर्ड्स है। फुल नेम को मैं प्रिंट कर देता हूं, ये देखिए। अब मुझे क्या करना है, ये फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को जोड़ना है, यानी कॉन्केनेट करना है, जोड़ना है। तो कैसे कर सकते हैं, दूसरे वेरिएबल भी इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं और उसकी वैल्यू भी दिखा सकते हैं। तो इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है डॉलर, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज और फर्स्ट नेम, देन थोड़ा सा स्पेस रखकर डॉलर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड लास्ट नेम। तो इसमें आसानी से हम अलग अलग वेरिएबल को जोड़ भी सकते हैं। तो देखिए आउटपुट में क्या आता है यहाँ पे अभी। ऐसे आज हमने जो डिस्कस किया है डेटा टाइप में, प्रिमिटिव डेटा टाइप, जैसे कि नंबर क्या है, स्ट्रिंग क्या है, बुलियन क्या है, सिंबल क्या है, नल क्या है, अनडिफाइंड। सिंबल के बारे में हम लोग थोड़ा सा बाद में देखेंगे, इसका थोड़ा सा यूनिकनेस के रिगार्डिंग कंसेप्ट होती है। उसके बाद आपके जो डेटा टाइप होते हैं वो होता है एरे, ऑब्जेक्ट, ये दो जो टाइप है। इसके अंदर हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, एरे के अंदर और ऑब्जेक्ट के अंदर भी कुछ भी स्टोर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ रिगार्डिंग द प्रिमिटिव डेटा टाइप और एरे और ऑब्जेक्ट कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग खुद से बताइए कि मैंने एक डेटा टाइप, मैं एक डेटा ले रहा हूँ जिसमें होगा लेट वाई, ये कौन से टाइप का डेटा टाइप है आपके हिसाब से? बुलियन। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर की कर रहे हैं हम लोग? True. तो इसे हम मानते हैं कि इसकी जो डेटा टाइप है ये बुलियन है। अब दूसरा हम पूछते हैं लेट यम, इसे भी प्रिंट कर देंगे नंबर टाइप। तो ये कौन से टाइप का डेटा टाइप हो चुका है? यम नंबर। तो इसे ही स्टोर कर देते हैं हम, प्रिंट हो गया। अब उसके बाद तीसरा वाला जो है, जैसे कि अब ये कौन से टाइप का डेटा टाइप है? स्ट्रिंग। ऐसे लेट के इक्वल टू नल, मतलब कुछ भी ना रहेगा इसके अंदर। तो ये कौन से टाइप का डेटा टाइप हो चुका आपके? नल टाइप। नल टाइप। ये हो चुका है आपका नल टाइप वाला। और आपका नेक्स्ट डेटा टाइप जो होगा, जैसे कि अगर मान लेते हैं लेट डी अनडिफाइंड, कुछ भरा ही नहीं उसके अंदर। तो मतलब टेक्निकली भाषा में आप बोलोगे किसी की वैल्यू भरा है, असाइन किया है या डिफाइन किया हुआ है। अब ये डिफाइन नहीं है तो अनडिफाइंड ही कहलाएगा। यस सर। देखो तो क्या सच में आप लोगों को लगता है कि ये डेटा